हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज रात आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है और आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी पार्ट किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है, इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालिए हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ कप्स, एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्स, फोर ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर सारे ही जोडियक साइंस और एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ये रीडिंग भी सभी जोडियक साइंस के लिए है। और यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ओके व्यूअर्स, ये आपकी या फिर आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है और कुछ ना कुछ ऐसा घटित भी हुआ है आपके जीवन में, इन डेट्स में, इन मंथ्स में, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच में कुछ नाराज़गी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन आपको बता नहीं रहा फिर भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिल में किसी बात को लेकर के नाराज़गी है आपसे। ये पर्सन रूठे हुए हो सकते हैं, कुछ लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों की फ़ाइट्स हुई है ऐसा भी लगता है और इस फाइट को हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, इसीलिए शायद आप भी अपने पर्सन को अब इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं इस वक्त में। जैसे कि पहले आप इस पर्सन से अगर फाइट हो जाया करती थी ना तो आप इस पर्सन को मना लिया करते थे, आप इस पर्सन की हर ज़िद मानने के लिए रेडी थे, पर आपने भी अब इस पर्सन से दूरी बनानी स्टार्ट कर दी है क्योंकि ये रोज़ की बात हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटी छोटी बातों पर लेकर आपका पर्सन आपसे झगड़ा कर रहा है ये अब बढ़ता ही जा रहा है, तो आपने भी अब इस पर्सन को मनाना छोड़ दिया है। आप भी काफ़ी जगल कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करें तभी आप इस पर्सन से बात करें, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना, ये पर्सन भी काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं कि ये आपसे बात करें कि नहीं करें, आप ही की कॉल मैसेजेस का वेट करें। और यहाँ पर प्यार तो आप दोनों को ही है ये चीज़ भी नज़र आ रही है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, प्यार नज़र आ रहा है और ये प्यार ट्रू है। किसी न किसी बंधन में बंधने के लिए ही आप दोनों ने एक दूसरे को जानने और समझने के लिए वक्त लिया है ऐसा भी लग रहा है। और छोटी छोटी बातों को लेकर जो फाइट्स हो रही हैं ना, तो वो फाइट्स हो सकता है किसी अदर पर्सन की वजह से हो रही हो। यहाँ पर आप दोनों को ही काफ़ी शौक़ है ऑनलाइन रहने का, ऑनलाइन चैटिंग करने का, बातें करने का, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने का। और कुछ लोगों का तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑनलाइन ही मिले हैं, ये ऑनलाइन वाला प्यार नज़र आ रहा है। पर हाँ, आप दोनों के मन में प्यार इतना है कि आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दूर रहें या पास रहें। दूर रहने से भी ना तो आपका प्यार आपके पर्सन के लिए कम होता है और ना ही आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ नज़र नहीं आ रही, पर हाँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़रूर नज़र आ रही है। इन दिनों आप दोनों के बीच जो नाराज़गी है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, पर यहाँ पर आप कितना भी नाराज़ रहें अपने पर्सन से या फिर आपका पर्सन कितना भी नाराज़ क्यों ना रहे, आप दोनों के मन में प्यार ख़त्म नहीं होता। एक नई शुरुआत एक इस तरह से करते हैं आप, जैसे कि ना आप अभी अभी अपने पर्सन से मिले हैं, तो जब कभी भी आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आता है या आप इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाते हैं ना, इस पर्सन को मना लेते हैं, तो आप दोनों के बीच जो प्यार होता है ना वो आपको ऐसा महसूस होता होगा जैसे कि अभी अभी आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हैं। तो एक नए सिरे से एक रिलेशन स्टार्ट होता है और आप दोनों ऐसा बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ में जैसे कि अजनबी हों, अभी अभी मिले हैं, तो आप दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं ऐसा भी लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अगर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को बता दिया जाए तो ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं और वही उसी तरह से आपका पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ना ले लें, इसलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करके रखते हैं। और यहाँ पर जो फाइट्स होती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, वो कॉल मैसेजेस को लेकर होती हैं कि आपका पर्सन शायद आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप हमेशा ही पहल करें,
इस पर्सन को कांटेक्ट करने में, और आप भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। जब कभी फाइट होती है तो आप इंतज़ार करते हैं आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करे और आपको मनाए, और इसी तरह ये पर्सन भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप दोनों के बीच जो दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं वो यही है, आप दोनों ही एक दूसरे के कॉल मैसेजेस का इंतज़ार करते रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की तो शादी फिक्स हो चुकी है, और शादी फिक्स होने के बाद तो जैसे कि आपका पर्सन काफ़ी बेफिक्र हो गया है। इस चीज़ की वजह से भी कुछ लोगों के बीच फाइट हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रिश्ते हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, यानी आप जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस इंसान के साथ में आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है ऐसा लग रहा है, उस इंसान ने आपको प्रपोज कर दिया है ऐसा भी लग रहा है। तो ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वक्त गुजर रहा है, आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा दिन तक नाराज़गी नहीं रह पाए, तो यहाँ पर काफ़ी दिन चलती है आप दोनों की नाराज़गी ऐसा भी लग रहा है। और इसी बात को लेकर इस वक्त भी आप दोनों के बीच कुछ नाराज़गी चल रही है, पर आप दोनों एक दूसरे के कॉल मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये इंतज़ार भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, और एक दूसरे के फ्रेंड्स से उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं कर रहे। दूरियां यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं, और एक चीज़ यहाँ पर जो क्लियर नज़र आ रही है वो यही है कि आप दोनों ही अपने अपने जीवन में काफ़ी कन्फ्यूज हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में भी कन्फ्यूज़न है और आपके पर्सन के मन में भी कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, और ये कन्फ्यूज़न ही है जो आप दोनों इन दोनों बात नहीं कर रहे हैं। आज रात भी ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन के जीवन में बना रहेगा, ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे ये सोचकर कि ये पहले कॉन्टैक्ट करें कि नहीं करें। और इस बार ये पर्सन भी शायद आप ही के कॉल मैसेजेस का इंतज़ार करेगा ऐसा लगता है, या फिर ये नाराज़गी कुछ ज़्यादा लंबी खींच सकती है ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नाराज़गी आपकी एक हफ्ते से लेकर मुझे ऐसा लगता है कि 5 वीक्स या फिर 4 वीक्स लगते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले शायद ही ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर तो अगर आप कॉल मैसेजेस करें भी तो ये पर्सन रिसीव नहीं करेंगे ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आती हुई नज़र आ रही है कि आप भी इस पर्सन के ही कॉल मैसेजेस का वेट करें, क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को बार बार मनाया तो ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हर बार आप ही मनाएं। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं इस पर्सन के कॉल मैसेजेस का, अगर इस पर्सन की नाराज़गी दूर होगी तो ये पर्सन खुद ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज रात भी ये पर्सन सोचेंगे आपके बारे में, फील करेंगे, काफ़ी तड़प भी महसूस करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, पर कुछ ही लोगों के पार्टनर्स उन्हें कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लव यू ऑल।